रीवा जिले में क्रमशः हो रहे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिसमें अपराधी खुलेआम बीच चौराहे में गुंडागर्दी करते नजर आते हैं। ताजा मामला रीवा जिले से सामने आया है, जो कि अमिया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। चार नकाबपोश युवक आते हैं और बाइक से जा रहे युवक पर हमला कर देते हैं, जिसमें चोट लगने से युवक जमीन पर गिर जाता है और मौके से ही भाग जाता है। फिर गुस्साए अपराधियों ने युवक के बाइक में जमकर तोड़फोड़ कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं यह वीडियो 23 अगस्त का बताया जा रहा है, जिसमें अब वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों के नामजद अपराध पंजीबद्ध कर लिए हैं और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। मेरा नाम विनीत सिंह है। 23 अगस्त को शाम टाइम मैं सिल्वी प्लाजा से अपने घर जा रहा था। डुबिया टंकी से मेरी 3 बाइक पीछा करने लगी। जब मैं पीटीएस देसी हवली के पास पहुंचा तो चलती बाइक में मुझे डंडे से मार दिए, जिससे मैं तुरंत गिर गया। मेरे खून चलने लगा। वहां पे देखा मैं बहुत सारे लड़के हैं, तो फिर मैं वहां से अपनी जान बचाकर भाग दिया। तो मेरी पूरी बाइक फोड़ दिए और मुझे गाली गलौज कर रहे हैं, फ़ोन में भी धमकी दे रहे हैं मुझे। विवाद क्या था? मेरा पुराना विवाद था, मेरे दोस्त को भी ये लोग मारे थे। सौरभ पाठक नाम है, रवि मिश्रा और शुभम पाठक। उसकी रिपोर्ट भी सीटी कुतवाली में है मेरे दोस्त की, 2 साल पहले। उसमें भी इनको कुछ नहीं हुआ। वारदात कितने दिनांक का? 23 अगस्त की वारदात। वीडियो वायरल हुआ है, इसकी शिकायत थाने में कराई गई है। 294, 323, 506, 34 और 427 धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपी नामजद है, तलाश की जा रही, तत्काल गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई की जाए। क्या कुछ सामने आया कि किसके द्वारा शिकायत? मामला ये पुराना बता रहे हैं और आपसी, क्योंकि बता रहे हैं ऐसा कि पहले साथ में रहते थे ये लोग और आपस में किसी चीज़ को लेकर विवाद हुआ है और फिर ये तोड़फोड़ की गई है। तो इसमें कोई पुरानी रंजिश तो नहीं सामने आई है, आपसी ही विवाद है और जो साथ उठने बैठने वाले लड़के थे उन्हीं के द्वारा ये घटना की गई। सर कितने आरोपी बनाए गए हैं? लगभग 4 आरोपी हैं, इसमें 3 नामजद हैं।